नमस्कार। दीपिका पादुकोण को लेकर एक अहम जानकारी हमारे पास आई है। तकरीबन 5.5 घंटे की पूछताछ खत्म हो गई है। ये आज भर की पूछताछ है। इसका मतलब ये नहीं कि दीपिका पादुकोण से ड्रग्स मामले में या ड्रग्स एंगल पर पूछताछ खत्म हो गई, बल्कि आज की पूछताछ खत्म हो गई। अब उन्हें कल फिर आना है। दीपिका पादुकोण से कौन कौन से सवाल पूछे गए ये आपको बताएं। उससे पहले कुछ अहम बात बता देते हैं कि पूछताछ के दौरान क्या हुआ। पूछताछ के दौरान एनसीबी उनसे बहुत सारे सवाल पूछती रही, और सबसे बड़ा सवाल कि उनके ड्रग चैट जो सामने आए थे उस पर किए गए। क्या दीपिका पादुकोण ने कोई, जिसमें कहा गया था कि माल है क्या, वो माल क्या था, एनसीबी ने सबसे पहले ये पूछा। उनसे पूछा गया कि आप वीड, हैश या बड, इनमें से कौन सा ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि आप किन किन लोगों से ड्रग खरीदती हैं। दीपिका पादुकोण से एनसीबी ने पूछा कि ड्रग चैट में आप सीधा सीधा दिख रहा है कि आप हैश की मांग कर रही हैं, क्या वो चैट सही है। दीपिका पादुकोण ने कहा कि हाँ, वो चैट सही है। लेकिन इसके अलावा एनसीबी ने जो भी सवाल पूछे दीपिका पादुकोण से, उसका जवाब वो गोल मटोल देती रही, यानी जवाब देने से भागती रही। दीपिका पादुकोण को यह डर था कि अगर उन्होंने अपनी जुबान खोली तो शायद इस पूरे मामले में उनकी मुसीबत और बढ़ सकती है। लेकिन यह सोचकर या ऐसा करके दीपिका पादुकोण ने अपनी मुसीबत बढ़ा ली है। आपको हम पूरे सवालों की पूरी लिस्ट बताते हैं कि कौन कौन से सवाल पूछे गए। सबसे पहला सवाल पूछा गया कि करिश्मा के साथ, ये मैं आपको बता दूं कि सवाल करिश्मा के साथ आज आमने सामने पूछताछ हुई है दीपिका पादुकोण की। पहले उनसे अकेले में पूछताछ हुई, एक टीम ने पूछताछ की, उसके बाद करिश्मा को उनके सामने बिठाया गया और उस पर आमने सामने की भी पूछताछ हुई है। सवाल क्या पूछे गए, करिश्मा के साथ ड्रग चैट पर आपका क्या कहना है। सवाल ये पूछे गए कि आपने ड्रग्स मंगवाया था क्या। सवाल, तीसरा सवाल ये पूछा गया कि क्या आप खुद ड्रग्स का इस्तेमाल करती हैं। इस पर दीपिका का जवाब था कि नहीं, मैं इस्तेमाल नहीं करती। उन्होंने एनसीबी के सामने एक तो वो ड्रग चैट कर रही हैं और दूसरे में ये भी कह रही हैं, मुकर रही हैं इस बात से कि वो ड्रग का इस्तेमाल नहीं करती। चौथा सवाल ये पूछा गया कि आप खुद इस्तेमाल नहीं करती तो आपने किसके लिए मंगवाई। पांचवा सवाल ये पूछा गया कि आप कब से ड्रग्स ले रही हैं। छठा सवाल ये पूछा गया कि आप किस किस से ड्रग्स मंगवाती हैं, कितने लोगों को आप जानती हैं। सातवां ये पूछा गया कि आपके साथ कौन कौन लोग ड्रग्स लेने में शामिल हैं। आठवां सवाल ये पूछा गया कि आप किसी ड्रग पैडलर के संपर्क में हैं, अगर हैं तो नाम बता दीजिए। नवां सवाल पूछा गया कि आपने क्या, जिस कोको पार्टी का जिक्र हुआ था, याद करिए चैट में कोको पार्टी का जिक्र हुआ था और कोको पार्टी में दीपिका पादुकोण की तस्वीरें भी सामने आई थी, पूछा गया क्या आपने किसी पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। अगला सवाल पूछा गया कि क्या आपने किसी को करते देखा है, किसी पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल करते देखा है, उसका नाम बता दीजिए। बारहवां सवाल पूछा गया कि कोको पार्टी की हकीकत क्या है। चैट में आप कोको पार्टी का जिक्र कर रही हैं, करिश्मा जिक्र कर रही हैं, जया साहा ने कई चैट्स में कोको पार्टी का जिक्र किया है और आप ग्रुप एडमिन थी, इस ग्रुप में लोग कोको पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है बता दीजिए। कोको पार्टी या ड्रग पार्टी का नाम था, ये क्या था। ये तकरीबन 12 सवाल दीपिका पादुकोण से पूछे गए और दो टीमों ने पूछताछ की है। पहले दीपिका पादुकोण से अकेले पूछताछ हुई, फिर करिश्मा के साथ बिठाकर आमने सामने की, यानी दोनों को वेरीफाई किया गया, दोनों के बयान का मिलान किया गया कि कौन सच बोल रहा है। अब आज की पूछताछ खत्म हो गई है, 5.5 घंटे पूछताछ चली है। अब कल की पूछताछ में दीपिका क्या बताती है, इसका इंतजार रहेगा।